Hello everyone, welcome to my channel Let's Be Crafty. Today I'm gonna teach you the basics of kutch embroidery work. जैसा कि आपने मेरे previous video में देखा था, मैंने एक full design बनाया हुआ था, तो आज मैं उसमें से एक embroidery work आपको detail में समझाऊंगी. If you are an absolute beginner, you need few things to start your embroidery work, like the needle, thread. I usually like this thread because ये कम टूटता है और आप रेशम थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं as per your interest. Pen or pencil, fabric, cotton or linen and this hoop. मेरे पास ये थोड़ा बड़ा hoop है, आपको जैसे size का चाहिए वो market में easily available है, आप ले सकते हैं. Carbon paper to draw this embroidery on the cloth and blank paper. सबसे पहले आप blank paper पे print out निकाल सकते हैं या फिर draw कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको draw करके दिखा रही हूँ. Diamond के shape में आपको draw करना है. और फिर कार्बन के हेल्प से आपको प्रिंट कर लेना अपने क्लोथ पे. मैंने ऑलरेडी अपने क्लोथ पर इसको ड्रॉ कर लिया हुआ है. डिजाइन का साइज आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसा भी आप थ्रेड चूज कर रहे हैं. अगर आप बहुत ही पतला थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो डिज़ाइन इससे छोटा बना सकते हैं. अगर आप थोड़ा मोटा थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो, या वुलन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो इससे और बड़ा भी बना सकते हैं. निडल को सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे. ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से निडल ऊपर लाएंगे. अब जो ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें निडल को अंदर डालना है और फिर ऊपर निकालना है. इसके बाद हम सीधा नीचे जाते हैं. यहाँ भी सिमिलरली निडल अंदर डाल के ऊपर निकालना है. अब धागे को इसके नीचे से निकालना है. उसके बाद ये धागा अब इस पॉइंट पे जाएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड पे, सेकंड पर नहीं. फिर थ्रेड के नीचे से अब ये जो लास्ट पॉइंट आया है, यहां पे भी सेम वही करेंगे. निडल अंदर डाल के बाहर निकालेंगे और फिर अब नीचे की तरफ. ये जो थ्रेड है इसको ये वाले धागे के नीचे से ले आएंगे और अब हम ऊपर की तरफ अंदर डाल के ऊपर निकालेंगे. इस धागे को इसके नीचे से ले जाएंगे. हमेशा याद रखिए, जो भी राइट साइड का धागा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए. यहाँ पे फिर अंदर डाल के ऊपर धागे को यहाँ से नीचे अंदर डाल के ऊपर.
धागे को दबाएंगे। लास्ट पॉइंट पे ये जो धागा है उसके नीचे की तरफ लाएंगे पहले और कपड़े के नीचे डाल देंगे धागा। जो धागा हमने नीचे डाला हुआ है उसको यहां से ऊपर लाएंगे। अब हमें इसकी एक लेयर कंप्लीट हो गई है तो अब हमें दूसरी लेयर कंप्लीट करनी है और अब हम धागे को नीचे नहीं डालेंगे कपड़े के, जो भी है वर्क अब ऊपर में होगा क्योंकि हमने ये जाली क्रिएट किया है उसके ऊपर बनाएंगे। तो जो पहले हमने धागा दबाया वाला पॉइंट था ये, यहाँ से निडल को निकालते हैं और इसको फिर यहाँ से अगेन सेकेंड ब्लॉक में जाएंगे नीचे से, फिर ये यहाँ पे डालेंगे। नीचे से सारे में वैसे ही करना है। जो हमारा एंड पॉइंट है उसमें भी वही करना है। अब नीचे लास्ट बचा हुआ है, अभी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है तो हम धागे को कपड़े के नीचे डाल के इसको सिक्योर कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन बन गई है उसके बाद हमारी ये जो डिज़ाइन है पेन की या पेंसिल की वो दिखाई देती है, तो उसकी आप चिंता मत करिए, फैब्रिक धोने के बाद वो अपने आप ही डिज़ाइन हट जाता है। और
अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो वो इजीली इनविजिबल हो जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं करिए। और इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई एम टीचिंग यू द अनदर बॉर्डर डिज़ाइन ऑफ कच एम्ब्रॉयडरी वर्क। अगर आपको कोई और एम्ब्रॉयडरी सीखना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में लिखें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड एन्जॉय क्राफ्टिंग।